त्योहारों के ढेर सारे काम में इतना टाइम नहीं बचता है कि हम घंटों खड़े रहकर किचन में मिठाइयाँ बनाएं। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी कम चीज़ों में बनने वाली ये मिठाई, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है और ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कि आपको किसी बाज़ार वाले या हलवाई वाली मिठाई से बिल्कुल भी कम नहीं है। और ना तो इसमें खोया यूज़ हुआ है, ना मावा, ना चाशनी, ना ही दूध। बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया ये मिठाई बन जाती है आपके घर में अवेलेबल चीज़ों से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर ये मिठाई बनाने वाले हैं सूजी से, जो कि सबके घर में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर जो सूजी हमें यूज़ करनी है वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये एक कप सूजी ली है और एकदम बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है इस मिठाई को बनाने के लिए, ताकि आपकी मिठाई का टेक्स्चर बहुत ही स्मूथ हो। अगर आपके पास मोटे दाने वाली सूजी है तो आप क्या करें, उसको मिक्सर में डालिए और एक बार उसको पीस लीजिए, जिससे कि वो इस तरीके से दानेदार और थोड़ा सा बारीक हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए एकदम बारीक वाली ही सूजी। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है चीनी। तो यहाँ पर जितना मैंने कप से नाप कर सूजी ली है, उतना ही हमें चीनी लेना है। ये दोनों क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आप बनाते हैं मिठाई। तो यहाँ पर एक कोई भी भारी तले का बर्तन रख दीजिए और इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून के आसपास देसी घी। आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसको देसी घी में बनाएं। घी जैसे मेल्ट हो जाएगा, हम फ्लेम को एकदम कम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे ये सूजी। तो ये पूरा सूजी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ और इनको हमें धीमी आँच पर ही भुनना है अच्छी तरीके से। चलिए सूजी को हम घी में मिला लेते हैं, ये देखें। तो घी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बर्फ़ी जो है जमने में तकलीफ होगी, इसलिए आपको घी नाप कर 4 टेबलस्पून या 5 टेबलस्पून ही डालना है। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर चलाएंगे। ध्यान रहे सूजी का कलर हमें डार्क नहीं करना है। इसी तरीके से धीमी आंच पर भुनेंगे तो इनका कलर भी चेंज नहीं होगा और ये अच्छे से पक भी जाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने सूजी और घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और अभी सूजी काफ़ी कच्ची है इसलिए इसने घी को अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया है। जैसे जैसे भुनता जाएगा, पकता जाएगा, घी को साइड साइड से रिलीज कर देगा, आप देखते रहिए। तो देख सकते हैं थोड़ा सा भुन गया है, घी के छोटे छोटे बबल्स आप देख सकते हैं साइड साइड्स में। तो इसी तरीके से इसको बीच बीच में चलाते रहिए, नहीं तो सूजी का कलर डार्क हो जाएगा। और आप देखेंगे ये दूसरा स्टेज है, तीसरे स्टेज में इसमें ढेर सारे बबल्स आपको दिखेंगे घी की वजह से, और सूजी काफ़ी अच्छे से फूली फूली और लाइट दिखेगी। तो बस 1-2 मिनट हम इनको और भुनेंगे इसी तरीके से और इसी फ्लेम पे, बिल्कुल भी फ्लेम को हाई मत कीजिएगा। और ये देखिए तीसरा स्टेज, देख सकते हैं काफ़ी लाइट हो गई है सूजी, एकदम फूली फूली से दिख रही है ना। अगर आपका जो मिक्सचर है वो इस स्टेज पर नहीं आता है तो आप 1 टेबलस्पून देसी घी और डाल सकते हैं, जिससे कि वो इस तरीके से लाइट और फ्लफी हो जाएगा। इस स्टेज तक सूजी को लाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बढ़िया से कुक हो सके, जिससे कि जो बर्फ़ी बनेगी वो एकदम मावे वाले टेक्सचर में बनेगी। तो हमें इसमें मावा या दूध कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट हो गया है। तो अब गैस का फ्लेम एकदम कम कर लीजिए और अब हम क्या करेंगे, सूजी को एकदम किनारे किनारे कर देंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से, ताकि जो सूजी का कलर है वो डार्क ना हो। और अब बीच में हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है अलग से, बीच में हम ये पूरा चीनी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बड़े दाने वाली चीनी का यूज़ किया है, आप छोटे दाने वाले भी ले सकते हैं। अगर छोटे दाने वाले ले रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा डालें। इसमें हम डालेंगे जितना चीनी लिया है उसका आधा पानी। तो पानी और सूजी का और चीनी का ध्यान रखना है आपको। अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और पानी और चीनी को अच्छी तरीके से घुलने मिलने देंगे। तो बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहिएगा, बहुत ही जल्दी ये घुल मिल जाती है इस तरीके से। तो बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहिएगा और जैसे ही ये अच्छी तरीके से घुलना चालू हो जाए, देख सकते हैं चीनी अच्छी तरीके से पिघल गई है पानी के साथ में। तो अब हम क्या करेंगे, सूजी को अच्छी तरीके से चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। आपको अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप अलग से चाशनी बना रहे हैं या आपके पास बची हुई मिठाइयों की चाशनी है तो आप यहाँ पर चाशनी को एक बार उबाल लीजिए, फिर इसमें डाल सकते हैं 1/2 कप के आसपास। अब इस मिठाई में अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिल्क पाउडर का। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 टेबलस्पून डालेंगे, जिससे कि आपकी मिठाई में अच्छी बाइंडिंग आएगी और ये थोड़ी सी सॉफ्ट और स्मूथ बनेंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर खोया मावा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोकोनट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं मिल्क पाउडर की बजाय। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास ढेर सारे हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि गुठलियाँ ना पड़े, और ये देख सकते एकदम स्मूथ सी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है, देख रहे हैं एकदम कंडेंस मिल्क की तरह इसका कंसिस्टेंसी हो गया है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और अब हम इसको 1 से 2 मिनट इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। बस ध्यान रहे इस मिक्सचर का कलर डार्क नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको लगातार सेंटर में चलाते रहे। और ये देखिए गुठलियाँ बिल्कुल नहीं है, एकदम स्मूथ सा टेक्स्चर इसका हो गया है। अब इसको चेक करने के लिए मैं आपको बताती हूँ इसे चेक कैसे करना है, मतलब ये तैयार हुआ है या नहीं। उसके लिए आप थोड़ा सा मिक्सचर एक प्लेट में डालें और इसको ठंडा होने दें, तब तक
इस मिक्सर को चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जल्दी ही जल जाएंगे या फिर डार्क हो जाएंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा, ये देख सकते हैं ये मिक्सर हमारा बॉल की तरह इकट्ठा हो रहा है, देख रहे हैं। तो बस ये मिक्सर बिल्कुल तैयार है जमने के लिए। तो अब हम गैस का फ्लेम चलिए बंद करते हैं। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद भी मिक्सर को थोड़ा सा चलाते रहिएगा, क्योंकि जो पैन होता है वो सेंटर में गर्म होता है। अगर आप इस मिक्सर को ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे से ये थोड़ा सा डार्क हो जाएंगे, और हमें इस मिठाई के लिए डार्क कलर बिल्कुल नहीं चाहिए, तभी आपकी मिठाई में बढ़िया कलर आएगा और एकदम हलवाई की तरह ये दिखेंगे। तो चलिए अभी रखते हैं इसको साइड में। और यहाँ पर मैंने जमाने के लिए बर्फ़ी वाली ट्रे ली है, आप यहाँ पर कोई सी भी थाली का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी चिकनाई के लिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा घी लगाएंगे, या फिर आप एल्युमिनियम फॉइल या बटर भी डाल सकते हैं। तो ये चलिए अब मिक्सर को डाल देते हैं हम इसके अंदर, और ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना, गाढ़ा होता जाएगा। तो ये पूरा मिक्सर मैंने इस ट्रे में डाल दिया है, देख सकते हैं। और अब इसको सेट करने के लिए हम अच्छी तरीके से स्प्रेड करेंगे, थोड़ा सा इसको थिक करेंगे ना, मोटा करेंगे। और हमारे पास जो बर्फ़ी की ट्रे है थोड़ी सी बड़ी साइज़ में है, तो इसको क्या करेंगे, मिक्सर को हम थोड़ा सा इस तरीके से टेढ़ा करके अंदर की तरफ कर लेंगे। जैसे जैसे ठंडा होगा ना, ये गाढ़ा हो जाएगा और बढ़िया सा शेप ले लेगा, देख रहे हैं। तो अभी ये हल्का गर्म है, धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगा और एकदम बढ़िया शेप में आ जाएगा, देख सकते हैं थोड़ी देर में ही। ये देख सकते हैं अभी ये हल्का गर्म है। तो इस स्टेज पर आपको जो भी सजावट इसमें करनी है आप कर सकते हैं, सिल्वर वर्क लगाना हो या फिर किसी भी ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से पिस्ता और बादाम से इसको गार्निश कर रही हूँ, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके लिया है, देख सकते हैं इस तरीके से। तो अपने हिसाब से आपको जो भी इसमें सजावट करनी है वो आप इसमें कर सकते हैं। चलिए इसको हल्का हल्का सा दबा देंगे ताकि ये बढ़िया से बर्फ़ी में जम जाए और ये बाहर ना निकले। अब इसको जमाने के लिए आप चाहें तो इस ट्रे को प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ दीजिए 2-3 घंटों के लिए। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप 1.5 से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, बहुत ही जल्दी जमकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम रख देते हैं फ्रिज के अंदर ताकि जल्दी ही 1.5 घंटे में रेडी हो जाए। और ये दीजिए 1.5 घंटे के बाद बर्फ़ी हमारी बढ़िया से सेट हो चुकी है, देखिए एकदम हार्ड हो चुकी है। इसलिए आपको चाशनी अलग से बनानी है अगर, तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी चाशनी नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा चिपचिपी चाशनी कर देंगे तो मिठाई हार्ड बनेगी, इसलिए इस बर्फ़ी को इसी तरीके से बनाइएगा जिससे कि आपकी बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखिए मोल्ड से ये बहुत ही आसानी से निकल गया है। अब इसको हम इस तरीके से उलट लेते हैं, देखिए ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरीके से चिपक गए हैं। तो अब आप अपने हिसाब से इसको चौकोर, लंबा, गोल टुकड़ा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप काट लीजिए। और ये लीजिए आपकी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही आसानी से और कम चीज़ों से। सिर्फ 2 या 3 चीज़ें लगी हैं जिससे कि आपकी ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। और इसको आप 1 सप्ताह तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, जब भी आपको खाने का मन करे आप इसको एंजॉय कीजिए, मेहमानों को दीजिए, त्योहारों पर बनाइए। कैसी लगी आपको ये सूजी की बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम मक्खन जैसी ये बर्फ़ी, ज़रूर से हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा। नई नई और आसान मिठाइयों की रेसिपी अगर आपको देखनी है तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ढेर सारी रेसिपीज़ के लिंक दे दिए हैं, जाकर जरूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके पास मेरी हर दिन की नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, वो भी फ्री में। तो चलिए एंजॉय कीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।